वो इलेक्ट्रिक मेथड भी जाना जाता है और एलेंड मेथड भी जाना जाता है और सॉकेटिक्स डिपेट भी जाना जाता है ठीक है तो गाइस हम ये देखते हैं कि जो डायलेक्टिक मेथड है वो क्या है ठीक है डायलेक्टिक मेथड जो है वो किसको कहते हैं इसमें क्या होता है गैस कि इसमें जो है वो दो या फिर दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर किसी भी बात पर अपने किसी ओपिनियन पर अपने किसी आइडिया पर कोई भी बात हो उस पर वो डिस्कस करते हैं ठीक है ये होता है डायलेक्टिक मेथड अकॉर्डिंग टू सॉकेट सॉकेट इज नॉलेज इज़ वैल्यू नॉलेज फॉर के इज वेन ऑफ ट्रुथ टू डिस्कवर अ नॉलेज ही यूज्ड डायलेक्टिकल मेथड टू एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस एंड कंसेस ऑफ अदर्स टू गाइस जो सुरात हैं सुकरात कहता है नॉलेज इस पर जो इलम जो है वो अच्छाई है ठीक है सच्चाई है तो नॉलेज के लिए क्यों मतलब कि सच होता है तुर्थ होता है उसे डिस्कवर करने के लिए जो सुकरात हैं सुकरात डायलेक्टिक मेथड का इस्तेमाल करता है सच तक पहुंचने के लिए ठीक है एक बात है जिसकी हमें नॉलेज है जिसके बारे में हम जानते हैं लेकिन अगर हम सच जो है ना सच को अगर हम सच करना चाहें हम देखना चाहें कि क्या वाकई ये जो बातें ये इस तरह ही हैं जिस तरह मुझे पता चली हैं तो सुरात उसके लिए क्या करता है कि वो डायलैक्टिक मेथड जो है वो इस्तेमाल करता है ठीक है इसमें मैंने आपको बताया कि जो So, uh, सुकरात हैं सुकरात का जो डायलैक्टिक मेथड है वो किसके बारे में है अपाउट सर्चिंग ऑफ ट्रथ एंड रीचिंग ट्रू नॉलेज ठीक है इसके बारे में है तो इसमें क्या होता था कि इसमें डिस्कशन डिस्कशन की जाती थी कुछ जो क्वेश्चन होते थे ठीक है वो पूछे जाते थे एक दूसरे से दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक दूसरे से पूछते थे और उसकी उस डिस्कशन के बाद जो है ना वो जो रियल रियल नॉलेज होती थी उस पर आप पहुंचते थे इसके जो सुकरात है सुकरात जो है वो लोगों से सवाल करता था ठीक है सुकरात क्या कहता है सुकरात कहता था आई नो ओनली वन थिंग डेट आई नो नथिंग, ठीक है सुकरात मतलब कि वो लोगों को ऐसा फील करवाता था जब वो सवाल पूछता था तो वो ख़ुद को एक जहीदार एक नॉलेजबल बंदा जो है वो जाहिर नहीं करवाता था वो यही कहता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है मैं बस इतना जानता हूँ मुझे कुछ नहीं जानता वो किसी भी बंदे के सामने जाकर बैठ जाता ठीक है और उससे कहता कि मेरे जहन में एक सवाल है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो बंदा कहता कहता था जी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं तो उनसे वो कहता था आप मुझे ये बताएं कि जस्टिस क्या है मुझे इसके बारे में कोई लम नहीं है मैं नहीं जानता हूँ कि इंसाफ क्या है वो इस तरह से लोगों से सवाल करता था सुकरात कहता है Only true wisdom consists in knowing that you know nothing. Uh, he did not uh, have any classroom or any institution. He went to market and asking questions. Socrates, Socrates, Socrates. के पास ना तो कोई क्लासरूम था ना कोई एकेडमी थी ठीक है ना ही कोई इंस्टीट्यूशन था ना ही कोई वो यूनिवर्सिटी का आ, या फिर किसी कॉलेज का वो टीचर था ठीक है सुकरात क्या करता था सुकरात मार्केट बाजारों में चला जाता जा था और वहाँ जाकर वो लोगों का अगर मजबान देखता था या फिर किसी भी बंदे के पास तो उनसे वो सवाल करता था वाट इज़ फ्रेंड्स व्हाट इज जस्टिस व्हाट इज फ्रीडम व्हाट इज करेज व्हाट इज़ पॉलिटिक्स व्हाट इज़ वार व्हाट इज़ लव वाट इज फ्रीडम इस तरह के जो है ना वो सवाल करता था लोगों से कि व्हाट इज़ गुड एंड वाट इज बेड व्हाट आर यू वाट व इस तरह से के, ए, के जो सवाल हैं वही सुकरात उनसे पूछता था अब मैं आपको बताऊं कि सुकरात का जो डायलेक्टिक मेथड था ठीक है वो ये सवाल तो पूछता था अगर मैं आपको बोल दूँ वाट इस जस्टिस तो आप कहेंगे कि जस्टिस जो हैं वो एक इंसाफ हैं कोई बंदा जुर्म करता है तो उसे सजा देना और जिसके साथ वो बुरा करता है उसे तो इंसाफ दिलाना ठीक है लेकिन डीपली सुकरात कहता है कि इन चीज़ों को डीपली जानो कि ये चीज़ें क्या होती हैं तो वो क्या करता था एक बार क्या होता है कि सुकरात जो है सुकरात एक बंदे से एक सवाल करता है सुकरात कहता है कि जो तुम्हारी खुदा है जिन जिनकी तुम वाशप करते हो क्या वो आपस में लड़ते हैं तो वो बंदा जवाब देता है यस तो सुकरात कहता है क्या वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं वो बंदा कहता है यस ऑफ़ कोर्स तो सुकरात कहता है जब वो लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ जलूसी भी रखते हैं और वो अच्छा और बुरा भी करते हैं और वो बदला भी लेते हैं और बदला लेना भी चाहते हैं तो वो बंदा कहता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है तो सुकरात उनसे कहता है तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम्हारे इन खुदाओं से भी ज़्यादा कोई और हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो ए, इन इनको वो चला रहा है और इस पूरी कायनात को वो चला रहा है कोई ऐसा पावर है जो पूरी कायनात को चला रहा है जो तो वो बंदा जो है वो कहता है हाँ ये भी हो सकता है तो सुकरात जो है सुकरात इस तरह से करता था ठीक है अपना डायलेक्टिकल मेथड जो है वो यूज़ करता था वो सवालों के ऊपर सवाल करके उन, उन बंदों को असल नॉलेज ट्रू नॉलेज तक ले आ जाता था ठीक है के जो हकीकत होती थी हकीकत की तरफ़ ले आता था तो इन, यही सुकरात का डायलक्टिकल मेथड है तो सुकरात कहता है अगर आप सच्चाई और इंसाफ चाहते हैं तो उसके लिए डायलक्टिकल मेथड का यूज़ करें यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है इसके बिना आप चाहें आप सही नॉलेज की तरफ आप सच्चाई की तरफ आप हकीकत की तरफ कभी नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं मेल्स सवाल के ऊपर सवाल करें इसलिए वो लोगों से हमेशा सवाल पूछता था सवालों के जरिए तालीम देता था और उन्हें सिखाता था कि क्या सही है और क्या गलत है मेल्स के सुकरात कहता है कि अगर आप देखें मेस के हमें पता चला है फ़िलाह जो बनना है वो मुजरिम है उसने जुर्म किया है फ़िलाह जुर्म किया है ये क्या हुआ ये हम तक एक नॉलेज आ गई एक खबर आ गई हमें पता चल गया कि जो फ़िलाह बनना है उसने फ़िलाह जुर्म किया है लेकिन अगर हम उसकी सच्चाई को जानना चाहेंगे तो हम उस पर उस पर सोचेंगे ठीक है उस बंदे को सोच की कसौटी पर रखकर हम उसे सोचेंगे हम पढ़ेंगे हम देखेंगे और फिर हम जो है ना हकीकत नॉलेज उस तक चाहेंगे पहले हम उस बंदे से या फिर उसके बारे में सवाल करेंगे रिसर्च करेंगे ठीक है फिर चाहे वो गुनहगार होगा तो उसे सज़ा मिलेगी अगर वो बेगुनाह होगा तो उसे इंसाफ मिलेगा जो भी होगा भला ही होगा ठीक है तो सुकरात इस तरह से जो है ना वो कहता है कि डायलेक्टिक मेथड का इस्तेमाल करो Dialectic is a process of dialect uh, dialogue. This method help people to realize what is true and uh, reliable knowledge, and which one is the wrong. Because in a dialectic, a person introduces his or uh, her opinion about an idea or concept. तो इसलिए जो सकरात हैं सकरात के तहत सकर्रात जो हैं वो लोगों के बीच जो है ना वो डिपेड करता था उनसे वो बेस करता था ठीक सकरात का जो टारगेट होते थे वो वही लोग होते थे जो ख़ुद को नॉलेजबल समझते थे ठीक है वो कहते थे कि हम बहुत ही सहीदार हैं और हमें अच्छे बुरे का सबका पता है ठीक है लेकिन वो जो हैं वो हमेशा मतलब कि अजीब काम ही करते रहते थे उनसे बोलता था ठीक है ये उनसे बोलता था आप जो है आप मेरे साथ डायलॉग में पार्टिसिपेट कर करो और फिर अपने सवालों से वो उ, उन उन्हें रियल नॉलेज की तरफ लेकर जाता था जो सुकरात से पहले जो न, प्री न, प्री सोकेटिस फिलोसफर फ़िलासफी थेरी के इनसे पहले के जो फ़िलासफर्स होते थे न, उनका जो इंटरेस्ट है वो किस में होता था न, उनका इंटरेस्ट अर्थ वाटर प्लांट, एयर, फायर इस तरफ में इसकी नेचुरल चीज़ों की तरफ होता था वो हमेशा यही देखते थे कि ये जो ये जो आग है आग कैसे बनी है ये जो मट्टी है मट्टी कैसे बनी है वाटर ये हवाओं को और चाँद तारों को इन एंड को ही देखना उनका काम होता था और उनके बारे में ही बताते थे और वो लोगों को जो तालीम देते थे वो रियल ए, रियल नॉलेज तक नहीं वो अन रियल नॉलेज तक होती थी मेस की वो बस लोगों को इतना ही बताते थे कि ये ए, जो है ना फिलहाल चीज़ें वो इस तरह बनी है और ए, इस तरह वो वर्क करती हैं ठीक है थीके? लेकिन सुकरात जो है सुकरात लोगों को रियल नॉलेज की तरफ़ ले जाता था वो लोगों को रियल नॉलेज और ह्यूमन वैल्यूज़ की जो है ना तालीम देता था ठीक है इंसानों के बारे में जो जानदार चीजें हैं उनके बारे में वो लोगों को तालीम देता था सुकरात जो है सुकरात कहता था मेरा तो बस एक ही काम है लोगों से सवाल करना उनके माइंड में न्यू आइडियाज़ को जन्म देना तो किस का यही मकसद था कि मैं लोगों को बताऊं अच्छाई क्या है इलम क्या है साफ आज़ादी गलत सही ये क्या है हर बात का इलम हो अगर तो इंसान अच्छाई की तरफ जाता है सुकरात कहता था कि आप शक किया करो मेज कि ऐसा नहीं है कि वजह हम शक करें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात होती है कोई ऐसा हादसा हो जाता है कुछ भी इस तरह का कोई ऐसा रीज़न होता है तो सुकराल कहता है कि उस बात पर आप शक करो क्योंकि शक जो है शक इंसान को सच्चाई के की तर, इनकी तरफ लेकर जाता है लेकिन शक जो शक का गलत इस्तेमाल नहीं करो शक का जो यूज़ है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से करो और सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश करो ठीक है राइट जो चीज़ें होती हैं उन पर शक करो ऐसा नहीं है बिला जा किसी भी बात पर किसी पर भी हम शक करें ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं कहता ठीक है वो कहता है कि जो सही बातें हो जो जो तुम्हें शक के लाइक लगे वहीं शक करो और सच की तरफ जाओ ठीक है तो गाय ये था सकर का डायलैक्टिकल मेथड वो इस तरह से लोगों को तालीम देता था और सच्चाई की तरफ जाने को कहता था वो लोगों को इस तरह जो है ना अपनी लाइफ बेहतर तरीके से जीना सिखाता था फिर क्या होता है कि जो वहाँ के सियासी लोग होते हैं और कुछ जो रिलीजियस पीपल होते हैं उन्हें ये लगता है कि जो सुकरात हैं सुकरात तो हमारे खुदाओं की ए, के अगेंस्ट जा रहे हैं ठीक है ठीके? और वो जो नौजवान हैं नौजवान नस्ल हैं सपाटा और एथेंस की उन्हें गुमराह कर रहे हैं उन्हें वो करप्ट रास्ते पर गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं तो वो पर इल्ज़ाम लगाते हैं और सुकरात को दो ऑप्शन देते हैं या तो आप एक्साइल ले लें या फिर आप हेमलॉक मीन के जहर पी लें या फिर आप मुल्क ही छोड़ दें तो सुकरात जो है सुकरात के टाइम मैं मुल्क छोड़ के क्यों जाऊँ मैं गलत नहीं हूँ मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है तो मैं मुल्क छोड़ के क्यों जाऊँ मेरी फिलासफी मेरे आइडियाज सच्चे हैं और मैं भला चाहता हूँ मेरा यही मकसद है कि मैं लोगों को अच्छे तरीके से ज़िंदगी जो है वो जीना सिखाऊँ तो वो जो है ना सुकरात सुकरात लहर का प्याला पीना तो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन अपना कंट्री छोड़ के नहीं जाता है क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं कंट्री छोड़ के गया तो सुकरात एक आर्मी मैन होता है वो कहता है कि आर्मी मैन जो है वो बहादुर होता है वो मौत से नहीं डरता है और फिलोसफर जो हैं वो भी बहादुर होता है वो मौत से नहीं डरता है अगर मैं मुल्क छोड़ के गया तो मैं इसके मैंने अपनी सच मैं अपनी सच्चाई को हरा दूँगा मैं जो आर्मी मैन हूँ मैं आर्मी मैन को कमजोर बना दूँगा ठीक है तो वो क्या कहता है कि वो लहर का प्याला पीता है और वो ये नहीं चाहता है कि जब वो कंट्री छोड़ के चला जाए तो पीछे जो उसके शागिद हैं और जो जिन लोगों की तकरात के साथ तेल हैं उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए ठीक कि उन्हें कोई खतरा पहुंचा है इसलिए जो हैं वो सैर पी लेता है और शायद ये दुनिया का वाइड टीचर होगा उस्ताद होगा जिसने अपनी सच्चाई के लिए अपने आइडियाज़ के लिए और अपनी फिलासफी के लिए अपनी जान को कुर्बान किया लेकिन अपना कंट्री अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया अगर हम देखें तो तकरीबन ऐसा ही होता है सच्चे इंसान के साथ जो लोग हैं लोग बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और उनके पीछे हाथ धोकर कर जाते हैं तो सुकरात भी बहुत ही एक अच्छा फलासफर था और बहुत ही जहीदार फलासफर था तो कभी ये थी सुकरात की डायलैक्टिकल मेथड उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपने ख्याल रखिएगा लाभ इस बाय